जनता टीवी के मंच पर दो दिन तक देश के जाने माने कवियों ने समा बांध दिया। सोनीपत और रोहतक में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कवि शामिल हुए और इस कार्यक्रम में अलग अलग रस के कवियों ने समा बांधा। इस दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ नजर आया। कवि तो कवि होते हैं, प्रखर इनकी रचनाओं में शब्दों से रवि होते हैं। हैदराबादी उर्दू या हिंदी, ये लखनवी होती है। कहते हैं कि शब्दों को अपनी कविताओं में बखूबी पिरोने का हुनर एक कवि के अंदर ऐसे खुल जाता है जैसे पानी में शहद। मुद्दा चाहे कोई भी हो, एक कवि की कविता हर मुद्दे को एक अलग रंग दे देती है। ऐसे ही रंग देखने को मिला ICS और वेन्यू पार्टनर ऋषिहूड यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित आपके अपने पसंदीदा जनता टीवी के मंच पर, जहां जाने माने कवियों के सम्मान में विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दो दिन के कवि सम्मेलन का पहला दिन सोनीपत के ऋषिहूड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां जनता टीवी के मंच पर कवि सम्मेलन के खास मौके पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ICS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर परिमल कुमार और जनता टीवी के COO KP सिंह मौजूद रहे। वही दूसरे दिन का कार्यक्रम रोहतक के MDU यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम सभागार में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि LPS बोजार्ड रहे। वहीं कार्यक्रम में जनता टीवी के कार्यकारी संपादक प्रदीप डबास और मार्केटिंग रीजनल हेड सुनील गुलाटी ने मंच पर उपस्थित कवियों को सम्मानित किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। इस खास मौके पर देश के उन जाने माने कवियों को सम्मानित किया गया जिनकी रचनाएं और काव्य धारा न सिर्फ हिंदी साहित्य को और अधिक समृद्ध कर रही हैं, बल्कि देश और दुनिया में भारत वंशियों के बीच इसकी लोकप्रियता को भी बनाए हुए हैं। दो दिन के इस कार्यक्रम में देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसा समा बांधा कि चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। कार्यक्रम में जाने माने वीर रस के विख्यात कवि हरिओम पवार ने अपनी रचनाओं से माहौल को जोश से भर दिया। वहीं हास्य व्यंग की कविताओं के लिए मशहूर कवि शंभू शिखर की कविताओं पर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। तो हास्य व्यंग के मशहूर कवि अरुण जैमिनी जब मंच पर आए तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं काव्य धारा में मार्मिकता के रस में डूबी कविताएं पिरोए कवि सुदीप भोला ने सबको भाव विभोर कर दिया। अपनी कविताओं के जरिए सौंदर्य और रस की सरिता को पिरोए कवि विष्णु सक्सेना को सुन दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। वहीं अपनी कविताओं में देसी अंदाज का तड़का लिए हास्य कवि जगबीर राठी ने अपनी कविताओं के जरिए सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। इसके बाद युवा मन की खनकती आवाज युवा कवित्री अंकिता सिंह की कविताओं ने ऑडिटोरियम में समा बांध दिया। कवियों की कविताओं के रस से सराबोर जनता टीवी के मंच पर कवि दरबार की एक अलग ही रौनक देखने को मिली, जहां जाने माने कवियों की कविताओं से हर कोई मंत्रमुग्ध दिखा। वहीं जनता टीवी के मंच पर कवियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया। आपकी ताकत जनता टीवी ने हर बार की तरह अपने नाम को आत्मसात करते हुए जनता के बीच जाकर कविताओं के जरिए लोगों के मुद्दे उठाने का काम किया।